14 नवंबर को आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहा बाल मेला। ज्ञात हो कि 14 नवंबर को पूरे देश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बाल दिवस के रूप में मनाया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस। बेलगहना क्षेत्र के सभी स्कूलों में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ बाल मेला मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा। जनपद सदस्य प्रभात कुमार पांडे ने समस्त कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर बच्चों की हौसला अफजाई की और बाल दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी पढ़े की नीति का पालन होना चाहिए। बच्चों में केवल किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि नैतिक व्यवहार, सदाचार और व्यवसायिक मूल्यों की शिक्षा भी मिलनी चाहिए, ताकि केवल सरकारी नौकरी ही भविष्य का उद्देश्य ना रहे। वहीं कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलगहना में लगभग 5 साल के बाद यह बाल मेला का आयोजन किया गया। कोरोना काल में किसी भी प्रकार के आयोजन से परहेज किया गया। आज 14 नवंबर पूरे देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है और जो आज की हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है सिर्फ पढ़ाई ही नहीं वरन अन्य कार्यों के लिए भी हम प्रेरित करती है, जैसे खेल कूद हो गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया। इसी तारतम्य में आज यहाँ पे बाल मेला का आयोजन किया गया है। इस बहाने बच्चों को व्यापार करना सिखाया जाता है कि आप पढ़ाई करके कोई आवश्यक नहीं कि आप नौकरी करें, आप व्यापार भी करें तो आपको एक जो प्रैक्टिस है, जो स्टार्टिंग है, वो स्कूल के माध्यम से सिखाया जाता है, जिससे बच्चे अपने जीवन में पूरी तरह सफल हों। बहुत ही अच्छा लगा मुझे देखने में कि प्रत्येक बच्चों के स्टॉल के आगे एक कार्टून रखा हुआ है जिसमें कोई भी आदमी नाश्ता पानी करके जो भी प्लेट है उसको भी डाल रहा है। आपका परिचय दें। मेरा नाम है कुहात कुमार पांडे, जनपद सदस्य बेलगहना, शिक्षा समिति सदस्य, जनपद पंचायत कोटा। बेलगहना से राम प्रताप सिंह, सीजी विजन टीवी।